सन्नतीय व तजारती नुमाइंदों पर मुश्तमिल पाकिस्तान के सबसे बड़ी तंजीम पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन फ्रंट प्याफ का लाहौर चैम्बर के इंतखाबात के हवाले से एक और बड़ा पावर शो मरकजी शालम मार्केट बोर्ड की क़यादत में शालम बाजार के दर्जनों मार्केटों ने प्याफ की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। प्याफ की जानिब से मरकजी शालम मार्केट बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद निसार को लाहौर चैम्बर के एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए टिकट देने का ऐलान भी कर दिया गया। मरकजी शालम बोर्ड की तमाम मार्केटों तमाम सुदूर वहदेदारों ने प्याफ फाउंडर्स अलायंस को क्लीन स्वीप कामयाबी दिलाने के आजम का इजहार कर दिया। मैं प्याफ के सब अहदेदारान से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे शालम मार्केट बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी को टिकट दिया है। मैं समझता हूं ये आदमी के दुकानदारों की बेहतरी हुई है कि उनको एक काम करने वाला वर्कर मिला है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं प्याफ का, उन्होंने शालम मार्केट बोर्ड के ऊपर एतमाद किया और शालम मार्केट से अपना नुमाइंदा लिया। कैमरा साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, अंजम नसार साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, उनकी सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी इज्जत रखी। इंशाल्लाह ताला शालमी से क्लीन स्वीप करेंगे, पूरे लाहौर की ताजर बरादरी के लिए इंशाल्लाह काम करेंगे। आज शालम मार्केट में खुशी का मौसम है कि हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब राणा निसार साहब को सीट ओके हो गई है। इसके लिए हम ताजरान अहद करते हैं कि प्याफ फाउंडर लाइन के साथ हम मिलजुल कर चलेंगे और इनको मुकम्मल कामयाब कराएंगे। हमारा और प्याफ का 25 साल से चोली दामन का साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह जब से प्याफ को हमने जो जो भी मेंबर दिए हैं शालम मार्केट की तरफ से, सारे ही एक फौजी जेन के बंदे हैं, सब ने फाइट की है, सब ने जंग की है ताजरों के हकूक की खातर। अल्लाह की रहमत से ये सबको इंशाल्लाह ताला विन करेगा और तमाम हमारे पैनल को भी कामयाबी दे, हम दुआ को हैं। हम ये सारे पठान जितनी भी हैं ना इंशाल्लाह उसको सपोर्ट कर लेंगे। सुभान शनवारी साहब जो है इन सब की तरफ से, पठान जितने हैं ना इन सब की तरफ से हम आए हैं और राणा निसार साहब को हम कामयाब करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम प्याफ फाउंडर अलायंस को राणा निसार साहब को भरपूर सपोर्ट करेगा इंशाल्लाह। जितना भी बरादरी है हम सारा इसको वोट इंशाल्लाह देगा, उसको कामयाब कर लेगा। आज हम प्याफ के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए थे, हम कटार बांध रोड एसोसिएशन की तरफ से आए थे और हमने भरपूर यहाँ पर हमायत का ऐलान किया है और कटार बांध रोड की तरफ से भरपूर तरीके से इनके साथ हर हाल में इंशाल्लाह खड़े हैं। प्याफ के हेड ऑफिस में मरकजी शालम मार्केट्स बोर्ड के एजाज में अजीमुशान तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें ताहद निगाह शालम बाजार की तमाम मार्केटों के सुदूर वहदेदार कसीर तादाद में मौजूद थे। तकरीब की सदारत पैट्रन इन चीफ प्याफ मियां अंजुम निसार, चेयरमैन प्याफ फहीम रहमान सहगल ने की, जबकि इस मौके पर साबिक चेयरमैन प्याफ मोहम्मद अली मियाँ, साबिक चेयरमैन प्याफ मियाँ बुजरशाद, सीनियर वाइस चेयरमैन प्याफ नसरुल्ला मुगल, वाइस चेयरमैन ताहिर मंजूर चौधरी, सीनियर सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जफर महमूद चौधरी भी मौजूद थे। जबकि इस मौके पर सदर शालम मार्केट बोर्ड ख्वाजा मोहम्मद आमिर, जनरल सेक्रेटरी राणा मोहम्मद निसार, चौधरी इरफान, तलहा तलाल बट, सदर डी पॉइंट रंग महल शहजादा बाबर, राणा मुजाहिद इस्लाम, शेख तारिक खादिम हुसैन, हाजी तनवीर आलम, जफर शाह, यासीन मलिक, मोहसिन गुजर, हाजी फारूक इकबाल, शाहिद असलम, हाजी फारूक इस्लाम, डॉक्टर वसीम समेत शालम बाजार की तमाम मार्केटों के अहदेदारों की बड़ी तकरीब में मौजूद थे। तकरीब के मौके पर प्याफ के एग्जीक्यूटिव कमेटी अराकीन अहद अमीन मलिक, शेख मोहम्मद फयाज, नईम हनीफ, शोबान अख्तर, मोहम्मद अबू बकर, शेख अब्दुल मनान, इस्मतुल्ला नियाजी, जिशान सुहेल मलिक, मलिक मोहम्मद खालिद, खामिद सईद भट, शहजाद असलम, मियां मोहम्मद नवाज, मियां आतिफ नवाज, नबील तारिक महमूद, हसन शाहिद समेत दीगर भी मौजूद थे। तकरीब के मौके पर पेट्रोल इन चीफ प्याफ मियां अंजुम निसार, चेयरमैन प्याफ फहीम रहमान सहगल, साबिक चेयरमैन प्याफ मोहम्मद अली मियां, साबिक चेयरमैन प्याफ मियां बुजरशाद ने खिताब करते हुए कहा कि प्याफ फाउंडर्स अलायंस गुज़िश्ता 25 साल से सनअतकारों और ताजरों की हकीकी नुमाइंदगी कर रहा है। लाहौर चैम्बर के इंतखाबात में कामयाब होकर एक बार फिर खिदमत के सफर को तनदही के साथ जारी रखा जाएगा। तकरीब के मौके पर मरकजी शालम मार्केट बोर्ड के सदर ख्वाजा आमिर, जनरल सेक्रेटरी राणा निसार, शहजादा बाबर, राणा मुजाहिद इस्लाम, तलाल भट्ट, चौधरी इरफान और दीगर का कहना था कि प्याफ ताजरों की हकीकी नुमाइंदा जुमात है, जिसने दिन रात ताजरों को सहूलियात की फराहमी और बिजनेस की आसानी के लिए अमली जिद्दोजहद की है। प्याफ फाउंडर्स अलायंस की कामयाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने देखा कि एक शालम मार्केट से बहुत सारे दोस्त भारी तादाद में यहाँ तशरीफ लाए। आज उनके मुतालबे पर हम लोगों ने राणा निसार साहब को प्याफ की तरफ से जो लाहौर चैम्बर के जो आइंदा आने वाले इलेक्शन है टिकट दी है। मरहला वार मुख्तलिफ मार्केट से जो कैपेबल कैंडिडेट हैं उनको तलाश कर रहे हैं, वो लोग जिनमें काम करने का जज्बा, पाकिस्तान की मईशत, लोगों की मईशत की बहाली का जज्बा, उनको ढूंढ रहे हैं। आज शालमी जो बोर्ड है उसकी तकरीबन 40 मार्केटों के नुमाइंदगान सदूर जनरल सेक्रेटरी खाजा अमर साहब की क्यादत में तमाम जो बाकी इलेक्ट्रिक मार्केट, रंगमहल बोर्ड, शू मार्केट, टोकरी वाले लीडर्स और वोटर्स यहाँ पे आपके ऊपर तशरीफ लाए। हमारे लिए उम्मीदवार हैं वो इस कसीर तादाद में आ रहे हैं कि हमें सबको एडजस्ट करना भी मुश्किल हो रहा है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये नेकनामी है प्याफ की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो दोस्त हमने सेलेक्ट किए हैं चैम्बर में अच्छा परफॉर्म करेंगे, पाकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत करेंगे। एक तो हम अच्छे कैंडिडेट ला रहे हैं, मजबूत कैंडिडेट ला रहे हैं, मार्केट लीडर्स ला रहे हैं और उन लोगों को ला रहे हैं जो तजर्बा रखते हैं, जो काम कर रहे हैं पहले भी बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं, अब जब लाहौर चैम्बर पर इंशाल्लाह यहाँ भी अच्छा काम करेंगे। लाहौर की तमाम बड़ी मार्केटों के जो नुमाइंदगान हैं, जो लीडरान हैं, जो सुदूर हैं, वो यहाँ पे हमें 200-300 वोटर्स के इज्तिमा के साथ तशरीफ ला रहे हैं और हमारे साथ चलने का अहद कर रहे हैं। ये पहली दफ़ा है। 21 साल हो चुके हैं हमें लाहौर चैम्बर में बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत करते हुए और अब तक के तमाम इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस कम्युनिटी की सपोर्ट से प्याफ फाउंडर अलायंस ने जीते हैं। ये इलेक्शन भी इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होंगे और इंशाल्लाह हमारी पूरी टीम जो है पूरी मेहनत के साथ काम करेगी, अल्लाह के घर बड़ा यकीन है। बाकी तो और किसी ग्रुप में दूर दूर तक खाली व्हाट्सएप पे नजर आ रही है, हमें चल भी रहे हैं वो व्हाट्सएप के ऊपर ही, लेकिन रियल अगर कहीं पे आपको रश नजर आएगा वोटर्स का, ट्रेड लीडर्स का, नुमाइंदगान का, वो प्याफ का ही ऑफिस होगा जहाँ पे दिन रात गहमा गहमी है, भरपूर तरीके से इलेक्शन की तैयारी हो रही है। इंशाल्लाह ये जो सिलसिला है कामयाबी का प्याफ फाउंडर अलायंस का, इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा।